जैसे कि आप देख पा रहे थे गोल्ड का जो ट्रेड था 18 18 इधर इधर का एक जोन था 18 1842 पे एक जोन था, और इधर से M30 का जो बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग बनाया और ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से आप चला गए। तो आप चले जाने के बाद सब लोग बाइंग कर दिया, क्योंकि H4 के M15 के इधर तो आप नहीं देख पाओगे, पर आप जब MT4 पे देखोगे तो MT4 पे जब देख पाओगे तो H4 का जो कैंडल है वो भी ब्रेकआउट कर चुका था। तो आई थिंक एक चीज़ आप देख पाओगे, H1 पे भी देख सकते हो कि 46 का जो इधर 46 इधर जो 46 देख रहे हो आप, 46 पे तो ब्रेकआउट कर चुका था, पर मार्केट फिर से रिवर्स हो गया और M30 का ट्रेड था। तो आई थिंक एक इधर से फेक ब्रेकआउट हो गया और बहुत सारे लोगों का बाइंग था 46 पे इधर थे और इधर से फिर से, एंड वन मोर थिंग आप लोग देख सकते हो इधर से मार्केट रिवर्स भी हो रहा है। हाँ, तो रिवर्स होने के बाद तो हो सकता है, पर ज़्यादातर अभी जो इंडिकेशन मिल रहा है तो नीचे आने का ही इंडिकेशन मिल रहा है, इधर से नीचे आ जाएगा। बट आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब मार्केट एक टाइम पे उस टाइम कंसोलिडेशन करता है तो कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट एक बार फेक ब्रेकआउट देता है। तो आई थिंक देख पाओगे आप लोग ये एक फेक ब्रेकआउट हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जब मंडे पे जब मूव आएगा और ब्रेकआउट आएगा तब फेक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, तब आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि कैसा मूव आ सकता है। एंड इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम फेक ब्रेकआउट क्या होता है आप लोग देख सकोगे। एंड M30 पे जो ट्रेड था ये देखिए, ये अच्छा ट्रेड है, ये अभी भी इधर से रिवर्स हो सकता है, पर नहीं होगा, आई थिंक 90% चांस है नहीं होगा, क्योंकि इधर 46 का जो जोन था वो अंदर आ चुका है, ब्रेकआउट करके ब्रेक इन कर चुका है। लेट्स सी क्या होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक टाइम पे जब मार्केट एक पर H1 पे जाने के बाद आप लोग देख सकते कि H1 पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने, तो मार्केट में एक टाइम पे जब कंसोलिडेशन करता है इधर, वो टाइम क्या है 30 से 46 के अंदर, बाद में फिर से ब्रेकआउट दिया ब्रेक इन कर दिया। तो जब कंसोलिडेशन करता है तब एक बार ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ब्रेक इन करता है, फिर से कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट जब होता है तब बहुत अच्छा ब्रेकआउट पे और अच्छा मूव मिलता है। एंड आई थिंक आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है तो शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिले, इसलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू।